बिहार के खगड़िया जिले में महादलित समुदाय के घर जलाने का मामला सामने आया है। जिले के मोरकाही थाना क्षेत्र के छमसिया गांव में बुधवार को मशहूर समुदाय के 50 घरों को दबंगों ने आग लगा दी और फायरिंग की। घटना स्थल खगड़िया सराय से सीमा क्षेत्र है। राज्य में महादलित श्रेणी में आने वाले इस समुदाय के कुछ लोगों के साथ दबंगों ने मारपीट भी की है। इस आग में कई मवेशी भी जल गए हैं। स्थानीय सरपंच के मुसहर समुदाय के घरों को जलाने की खबरों की पुष्टि है। गाँव में प्रत्यक्षियों ने मीडिया को यह भी बताया कि 50 की संख्या में दबंग गोली चलाते हुए आए और एक तरफ से घरों में आग लगाना शुरू कर दिया। खगड़िया के एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर अमित कुमार का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते घरों को जलाने की सूचना उन्हें मिली है। एसडीओ ने बताया कि मौके पर छमसिया के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और सीओ पशु चिकित्सक को भेजा गया है। खबर के मुताबिक घटना की सूचना मिलते ही एसपी मीनू कुमारी ने सदर एसडीपीओ रामनंद सागर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस को घटनास्थल की ओर रवाना किया है। अपराधियों के धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। महादलित समुदाय के लोगों ने बताया कि अपराधियों जिन्हें धमकी दी थी वे लोग उनके घरों में आग लगा देंगे और उन्होंने सचमुच ऐसा करके दिखाया है। छमसिया दियारा में महादलितों ने बताया कि उन्हें मुन्ना यादव का भय था। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी महादलित और मुन्ना यादव के बीच झड़प हो चुकी है। इधर एसपी मीनू कुमारी ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।